आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यह शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन में महिलाओं, बच्चों, वह जो युवा वर्ग था उसने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। युवा वर्ग ने भाग लिया था और यह जो आंदोलन था, यह नमक कानून के विरोध में था। जो नमक कानून आया था उसके विरोध में यह आंदोलन किया गया था, नमक कानून का विरोध करना। ठीक है, अब अपने को स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है, इस आंदोलन को व्यापार समूह तथा कृषक वर्ग से व्यापक समर्थन मिला। एकदम सही है कि यह जो आंदोलन था, इस आंदोलन में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। महिलाओं ने शराबबंदी के लिए और युवा वर्ग ने रोजगार के लिए और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए इसमें भाग लिया था। यह आंदोलन महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हुए श्रमिक उपद्रव के साथ घटित हुआ था। यह भी एकदम सही है, वकीलों और विद्यार्थियों की विशाल भागीदारी इस आंदोलन की विशेषता थी। यह भी एकदम सही है कि इसमें महिलाओं, बच्चों, युवा वर्ग सभी ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो यहाँ पे अपने तीनों कथन सही हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, जो कि अपने को फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, यह एकदम यहाँ से सही हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।